नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। रही नजर डालते हैं खेल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच में पहले टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शुक्रवार को कुछ समय निकालकर रोहित शर्मा और टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री के साथ मिलकर गोल्फ खेली। मोहाली के क्रिकेट मैदान ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान खेल रहे थे और इससे 12 किलोमीटर दूर धोनी चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में दूसरा खेल खेलने में व्यस्त थे। भारतीय कप्तान रविवार को होने वाले मैच से पूर्व सहज और आत्मविश्वास से ओतप्रोत लग रहे थे। भारतीय टीम गुरुवार को यहां पहुंची थी। वह शनिवार को पीसीए स्टेडियम में अभ्यास सत्र में भाग लेगी। कप्तान स्टीवन स्मिथ और शेन वॉटसन ने शीर्ष क्रम लड़खड़ाने के बाद उपयोगी पारियां खेली, जबकि जेम्स फॉकनर ने कातिलाना गेंदबाजी का अच्छा नमूना पेश करके अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को यहां पाकिस्तान को 21 रन से हराकर आईसीसी विश्व टी20 में अपनी उम्मीदें बरकरार रखी। पाकिस्तान की यह 4 मैचों में तीसरी हार थी, जिससे वह टूर्नामेंट से बाहर हो गया। पिछले मैच में कश्मीर का जिक्र करने के कारण आलोचनाएं झेलने के बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी ने फिर से घाटी के समर्थकों का यहां आकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टी20 में उनकी टीम का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद टी20 विश्व कप से बाहर हो गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में भी अफरीदी ने टॉस के दौरान कश्मीर के समर्थकों का आभार व्यक्त किया था। उनकी इस टिप्पणी की बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने आलोचना की थी। ठाकुर ने कहा था कि अफरीदी की टिप्पणी राजनीतिक रूप से सही नहीं है। अफरीदी का स्वदेश लौटने पर पाकिस्तान कप्तान पद से हटना तय है। पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने शुक्रवार को विराट कोहली की तुलना महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से करते हुए कहा कि वह भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार बनते जा रहे हैं और अपने बल्ले से लगातार मैचों में जीत दिला रहे हैं। कोहली मौजूदा विश्व टी20 में लाजवाब फॉर्म में है। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ मैच विजेता पारियां खेली हैं। अफरीदी ने दिल्ली के इस बल्लेबाज की काफी प्रशंसा की। श्रीलंका के ऑलराउंडर तिसारा परेरा ने शुक्रवार को कहा कि लसित मलिंगा जैसा दूसरा गेंदबाज ढूंढना मुश्किल है, लेकिन माहेला जयवर्धने और कुमार संगकारा की भरपाई अगले 5-6 साल में हो सकती है। तिसारा ने कहा कि माहेला और संगा की भरपाई करने में श्रीलंका को 5-6 साल लग जाएंगे। यहां तक कि संगा को भी शुरू में पांव जमाने में समय लगा था, इसलिए खिलाड़ी को अपने पांव जमाने में 2-3 साल लग सकते हैं। तो स्पोर्ट्स की खबरों में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरें हमारी वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।